जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त भानु। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 18 तारीख से 25 तारीख के बीच में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एग्जाम होने वाला है और सभी साथी तैयारी भी कर रहे हैं। और अभी दिवाली की छुट्टी हो गई है आपकी 5 दिन की, तो और अच्छे से लोग तैयारी करेंगे जो साथी अगर कॉलेज वॉलेज ज्वाइन किए होंगे। तो साथियों, अभी कुछ साथियों ने कहा था कि सर कुछ टॉपिक ऐसे बता दीजिए कि जो लेंदी ना हो, शॉर्टकट में बता दीजिए और 1 से 2 नंबर हमारे एग्जाम में फंस जाए। तो साथियों, वही टॉपिक हम आपको बताने आए हैं कि 1 से 2 नंबर आप सबका फंस जाए। तो ये टॉपिक है ग्राइंडिंग। हम ग्राइंडिंग के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि हम ग्राइंडिंग में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कहाँ से पूछा जाता है। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये हमारा टॉपिक है ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग होता क्या है ना, हम इसके बारे में जानेंगे ग्राइंडिंग होता क्या। देखो, शॉर्टकट पढ़ाएंगे तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसको हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा पढ़ा दिए कि पूरा पढ़ा दिए और एक भी एग्जाम में नहीं पूछता, तो पढ़ने का क्या मतलब, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम ये जानेंगे थोड़े से टाइम में, मतलब कुछ समय में ज़्यादा कुछ सीखने को हमें मिल जाए। तो साथियों, ये जो ग्राइंडिंग होता है ये चीज़ों को सार्व करता है ना। जैसे कोई पार्ट हो, पार्ट को फिनिशिंग करता है, तो वो फिनिशिंग के काम में आता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग में दो चीज़ें होती है, एक एब्रेसिव, तो ग्राइंडिंग जो होता है वो एब्रेसिव से कड़ों से मिलके बना होता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग जो होता है, क्योंकि तो ये ग्राइंडिंग व्हील है, तो ये इस ग्राइंडिंग व्हील में ये छोटे छोटे जो होते हैं, ये छोटे छोटे जो कड़ होते हैं ये एब्रेसिव होते हैं। क्या होते हैं? एब्रेसिव। ये क्या है? छोटे छोटे कड़ होते हैं, एब्रेसिव कड़ होते हैं ये, है ना। एब्रेसिव क्या होता है? तो एब्रेसिव जो होता है वो कड़ जो छोटे छोटे कड़ों से मिलके ग्राइंडिंग में जो बने होते हैं, जो छोटे छोटे कड़ों से मिलके जो ग्राइंडिंग बनाते हैं उसे हम एब्रेसिव कहते हैं। एब्रेसिव कितने प्रकार के? एब्रेसिव 2 प्रकार के। देखो, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। एब्रेसिव कितने प्रकार के? एब्रेसिव 2 प्रकार के। पहला कौन कौन सा? पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है ना। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल, एब्रेसिव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? तो नेचुरल वो, नेचुरल हम उसे कहते हैं जो प्रैक्टिस से मिलता है, जो हमारे प्रैक्टिस से मिलता है। और ये आर्टिफिशियल जो होता है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे ये कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो एब्रेसिव बनता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कारखानों से बनता है उसे हम नेचुरल कहते हैं। अब ये बात आती है कि नेचुरल कहाँ से मिलता है हमें? तो नेचुरल जो होता है हमें खानों से मिलता है। हाँ, हमें कहाँ से? खानों से ये हमें नेचुरल खानों से मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है? कारखानों से मिलता है, कारखानों से। ठीक है, दो चीज़ें जान गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या क्या आता है? तो नेचुरल में देखो आता क्या है, जैसे एमरी पेपर है ना, दूसरा बालू स्टोन, मतलब रेत स्टोन है ना। तो बालू, रेत स्टोन, और क्या आता है? कोरंडम, कोरंडम है ना। तो ये कहते हैं एमडी पेपर, रेत स्टोन, कोरंडम। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल है, ये मतलब प्रकृति से हमें मिलते हैं और प्रकृति से हमें ये प्राप्त होते हैं। फिर आ जाते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कारखानों से क्या प्राप्त होते हैं। आर्टिफिशियल में 2 चीज़ें आती हैं। देखो, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब प्रश्न बनेंगे और इसको आप सही करेंगे। आर्टिफिशियल में दो चीज़ें आती हैं। एक होता है एल्युमिनियम, आर्टिफिशियल में दो, एक होता है एल्युमिनियम, दूसरा होता है सिलिकॉन, है ना, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन को सी से, मतलब नेचुरल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये एब्रेसिव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक एल्युमिनियम होता है, एक सिलिकॉन होता है। इतना समझ में आया? जिसको उतारना है तुरंत उतार लो या शॉर्ट क्वेश्चन ले लो, ले लीजिए।
फिर हम आगे चलते हैं। जब हम ये दो चीज़ें जान गए तो दो चीज़ें जानने के बाद हम फिर आते हैं, इतना हो गया ना, इसके बाद होता है बॉन्ड पे। बॉन्ड क्या होता है? BONDE, बॉन्ड है ना, बंधक। बॉन्ड क्या आता है? जो एब्रेसिव कण होते हैं, जो एब्रेसिव कण होते हैं इनको संयोजित करने की, इन्हें जो संयोजित करती है, जैसे कि एब्रेसिव ये कड़े हैं, इनको एक साथ इकट्ठा करती है, संयोजित करती है, बांधती है, उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड हम जानेंगे कि बॉन्ड होता क्या है। तो पहला बॉन्ड जो होता है, पहला बॉन्ड होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। पहला बॉन्ड विट्रीफाइड बॉन्ड है ना, पहला विट्रीफाइड। दूसरा रबर लिख लो, रबर बॉन्ड है ना। पहला बॉन्ड में विट्रीफाइड बॉन्ड, फिर रबर बॉन्ड, फिर दूसरा लिख लो सिलिकेट, सिलिकेट बॉन्ड। दूसरा क्या है? सिलिकेट बॉन्ड है ना। तीसरा लिख लो सेलाक बॉन्ड, ठीक है। तो ये विट्रीफाइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सेलाक बॉन्ड, और एक होता है रेजिन बॉन्ड या रेजिनॉइड, इसी रेजिनॉइड या रेजिन दोनों कह सकते हैं। ये रेजिन, रेजिन बॉन्ड या रेजिनाइड बॉन्ड ये होता है। तो ये हमारे बॉन्ड होंगे, लेकिन ये बॉन्ड आती नहीं है, ये बॉन्ड हमें जानना पड़ता है। लेकिन इसके अब पता है ये बॉन्ड हमने, अब पूछोगे सर बॉन्ड क्यों लिखा है, तो बॉन्ड हमने इसलिए लिखवाया कि आप जानो, कुछ हमें नहीं करना है, इसके बारे में हमें जानना है ना। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विट्रीफाइड को वी से, विट्रीफाइड को वी से, रबर को आर से, रबर से आर से, और ये सिलाक है ना, ये सिलाक है। तो सिलाक को हम किससे बताएं प्रदर्शित करते हैं? सिलाक को ई से, किससे? सिलाक को ई से। सिलिकेट को, अब देखो सिलाक ये तो है ना, सिलाक, और ये सिलिकेट, सिलिकेट को एस से, किससे? सिलिकेट को एस से। और ये रेजिन को, रेजिन बॉन्ड किससे करते हैं? ये रेजिन को बी से करते हैं, रेजिन को बी से करते हैं। अब देखो, अब कहोगे सर इसमें क्या बातें थी, आप इतना इसको जोर दे रहे थे, इसको बता रहे थे। देखो मेरे दोस्त, जब आपको प्रश्न जब देगा ना, तब समझ में आएगा कि ये प्रश्न पूछ क्या रहा है। देखो प्रश्न पूछेगा कि एक प्रश्न दे देगा आपसे, उसमें ये पूछेगा कि रबर बॉन्ड कौन सा है, या रबर बॉन्ड किससे प्रदर्शित करते हैं। तो रबर बॉन्ड तो तुम तुरंत बता दोगे, रबर बॉन्ड आर से, क्योंकि रबर से आर है। लेकिन अगर ये पूछ दिया रेजिनॉइड या रेजिन बॉन्ड है ना, इसको रेजिन या रेजिनॉइड बॉन्ड भी बोलते हैं, बहुत जगह रेजिन बोलते हैं, कहीं कहीं रेजिनॉइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इससे पूछ लिया रेजिन बॉन्ड, रेजिन बॉन्ड किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप रेजिन बॉन्ड तो कहोगे यार आर से, ऑप्शन में दे दिया रेजिन बॉन्ड किससे प्रदर्शित करते हैं। तो रेजिन बॉन्ड में ऑप्शन दे दिया, रेजिन बॉन्ड में दे दिया कि आपका ऑप्शन में मान लो कि बी दे दिया, आर दे दिया, ई दे दिया, और फिर वी दे दिया। तो रेजिन बॉन्ड में प्रदर्शित करना है, तो रेजिन बॉन्ड हमने ये ऑप्शन में दे दिया है ना। तो अब क्या लगाओगे? हमें तो यही पता है रेजिन बॉन्ड आर से लिखा जाता है, तो आर से प्रदर्शित होगा। लेकिन नहीं, रेजिन बॉन्ड हमें बी से प्रदर्शित होता है, तो हमें बी से, ये हमें ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन राइट है आपका, ये हमें बी से प्रदर्शित करते हैं। फिर सिलिकेट पूछ लेगा, तो सिलिकेट पूछ लिया और सेलाक पूछ लिया, तुमसे पूछ लिया सेलाक बताओ, तो सेलाक में भी ऑप्शन दे देगा, हाँ सेलाक, ये सेलाक, तुमसे सेलाक पूछ लिया कि सेलाक किसे प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन में दे दिया ई, एफ है ना, वी, एस। तो अब बताओ सेलाक, तो तुमने ये सुना होगा कि सेलाक एस से आता है, नाम एस से स्टार्ट होता है, तो हम एस पे टिक लगा चले आएंगे, लेकिन वो हो जाएगा रॉन्ग। तो हमें ये देखना है, बॉन्ड को हम याद करेंगे और बॉन्ड को याद करने वाले किससे प्रदर्शित किया जाता है, हम इसे भी याद करेंगे। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, ग्रेन साइज पढ़ेंगे है ना। तो ग्रेन साइज जो होता है वो चार किस्म के होते हैं। ये ग्रेन साइज जो होता है चार प्रकार का होता है। ग्रेन साइज कितने प्रकार के? चार प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रेन। तो ग्रेन चार प्रकार का होता है। तो ग्रेन जो कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। तो पहला होता है कोर्स, दूसरा होता है मीडियम,
फिर फाइन, फिर वेरी फाइन, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? ये कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। अब ये ध्यान देंगे कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन क्या होता है। तो ये जो ग्रेन साइज होता है, इनकी कोई एक साइज नहीं होती, एक आकार नहीं होती। जो एब्रेशियो की कोई साइज का आकार नहीं होता है, वो जैसे अब ग्रेन साइज है, ये इसका कोई आकार है क्या? नहीं है। जैसे रेत दिखा है, बालू, बालू के कणों का को कोई आकार होता है? नहीं होता। उसी को हम कहते हैं ग्रेन। तो अब देखो ग्रेन साइज क्या होता है। ये कोर्स में जो आता है, कोर्स में 10 to 24 और मीडियम में आता है 30 to 60, 30 to 60। फाइन में कितना आता है? फाइन में 80 to 180, 80 to 180, और वेरी फाइन में 220 से 600, है ना। समझ में? ग्रेन में क्या आता है? ग्रेन कितने प्रकार के होते हैं? ग्रेन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। आपको यहां याद भी करना है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं बचा है, और जितना हम तुरंत याद कर लेंगे वो हमारे लिए सफिशियंट अच्छा होगा, और बड़ा ही अच्छे से हम जब यहाँ याद कर लेंगे ना, तो पेपर में हमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ग्रेन कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स में कितने होते हैं? 2 to 24, मतलब 10 से 24 के बीच। फिर मीडियम में 30 से 60 के बीच। फाइन में 80 से 180 के बीच। वेरी फाइन में 220 से 600 के बीच। तो ये आपके क्या हो गया? ये ग्रेन साइज हो गया। अब प्रश्न बनता कैसे है? कैसे पूछ? 8 है ना, 15 80 60 80 पूछ लिया, कोर्स बताओ। तो कोर्स में क्या आता है? कोर्स में आपको पता है 10 to 24। तो ये 10 to 24 के बीच में क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? ग्रेन पढ़ लिया। अब आते हैं ग्रेड पे। किस पे आते हैं? ग्रेड पे। हम आएंगे ग्रेड पे, तो हम पढ़ेंगे ग्रेड। ग्रेड क्या होता है? तो ग्रेड जो होती है, वो जो साइज होती है, किसकी? एब्रेसिव की साइज होती है। तो वो कैसी होती है? हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, कैसी होती है, हम उसके बारे में। तो ये ग्रेड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ थ्री, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेड। ग्रेड तीन प्रकार के होती है। कौन कौन से होती हैं? पहला पहला सॉफ्ट, पहला होता है सॉफ्ट, दूसरा होता है मीडियम, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। ये कितने? ये सॉफ्ट मीडियम हार्ड। सॉफ्ट क्या होता है? ए टू एच, ए टू एच। मीडियम में आई टू पी, आई टू पी, और क्यू टू जेड, क्यू टू जेड। ग्रेड कितने प्रकार के? ग्रेड तीन प्रकार के, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। सॉफ्ट में क्या आता है? ए टू एच। ए टू एच का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई टू पी आई जे के एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। समझ गया? ग्रेड कितने प्रकार के? ग्रेड तीन प्रकार के। कौन कौन से? ए टू एच मतलब सॉफ्ट मीडियम हार्ड। सॉफ्ट में क्या आएगा? ए टू एच। मीडियम में आई टू पी, हार्ड में क्यू टू जेड। प्रश्न कैसे बनता है कि मीडियम में क्या आएगा? ग्रेड मीडियम में क्या आता है? ग्रेड मीडियम में क्या आता है? आपको दे दिएगा बी ऑप्शन में, क्यू ऑप्शन में, एच ऑप्शन में, पी। तो मीडियम पूछा है ना, ग्रेन में मीडियम पूछा है, तो पी। समझ में? तो ये आपका, हमने हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एब्रेशिव, हमने एब्रेशिव पढ़ संरचना। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? जो एब्रेशिव के कण होते हैं, वो दूर दूर बने होते हैं कि पास पास बने होते हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। उसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको संरचना कहते हैं, कि दूर दूर बने होते हैं, पास पास बने होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर में दो होते हैं, एक होता है डेंस, एक होता है ओपन। एक होता है डेंस, एक होता है ओपन। एक डेंस होता है, एक होता है ओपन। डेंस मतलब सघन, ओपन मतलब खुला।
सघन, ये न है ना, तो ये डेंस और एक ओपन, तो डेंस में कितना होता है, डेंस 1 to 8 और ओपन में 9 to 16, 9 to 16। ये हमारे दो होती है स्ट्रक्चर, कितने प्रकार के स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, दो कौन कौन से, डेंस और ओपन, ठीक है। डेंस में क्या आता है 1 to 8 मतलब 1 से 8 के बीच में, और ओपन 9 to 16 मतलब 9 से 16 के बीच में। अब प्रश्न बनता है कि स्ट्रक्चर में 11 किस में आता है, स्ट्रक्चर में 11 किस में आता है, तो बताओ 11 किस में आता है, स्ट्रक्चर में 11 9 to 16 में आ रहा है ना, मतलब ओपन में स्ट्रक्चर हमारा कौन, तो साथियों कुछ चीजें हमने लिख दिया है कि जो आपके ग्राइंडिंग में इम्पोर्टेंट्स होते हैं और जरूरी होते हैं, इसको हम एक बार बता देते हैं। कार्बाइड और सिरामिक टूल को ग्राइंडिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो डायमंड व्हील का, किसका, डायमंड व्हील का, किसको, कार्बाइड और सिरामिक, कार्बाइड और सिरामिक के लिए हम किसका यूज करेंगे, डायमंड व्हील का। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु को एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम करते हैं, है ना। लो टेंसाइल वाली धातु को सिलिकॉन कार्बाइड के लिए करते हैं। हाई ग्रेड, ये हाई ग्रेड व्हील किन धातुओं पर प्रयोग किए जाते हैं, तो देखो नाम से पता चला हाई ग्रेड जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाई ग्रेड नर्म धातुओं पर, हाई मतलब ज्यादा और नर्म धातु मतलब कम, तो हाई ग्रेड व्हील किन धातुओं पर प्रयोग किया जाता है, तो नर्म धातुओं पर, किस पे, नर्म धातुओं पे। अगर ये कहते सॉफ्ट ग्रेड, तो सॉफ्ट ग्रेड जस्ट उल्टा होता है, सॉफ्ट ग्रेड तो हार्ड धातुओं पर, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य तत्व क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य तत्व क्या होता है, अभी मैंने बताया था एब्रेसिव बॉन्ड ग्रेड और स्ट्रक्चर, है ना, एब्रेसिव बॉन्ड ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर, तो ये सब क्या होंगे, इसके मुख्य तत्व हो गए हैं। ग्रेन साइज लिया जाता है, ग्रेन साइज को कैसे हम मापते हैं, तो ग्रेन साइज को प्रति वर्ग इंच में मापते हैं, किसमें मापते हैं, प्रति वर्ग इंच में मापते हैं। ड्रेसिंग करने वाले औजार को व्हील ड्रेसर कहते हैं, ड्रेसिंग करने वाले औजार को व्हील ड्रेसर कहते हैं। इतना समझ में आ सको, इसमें से दो तीन टॉपिक रह गया, दो तीन हेडिंग रह गया है, जैसे आ जाता है कि लोडिंग, है ना, लोडिंग लोडिंग ड्रेसिंग, है ना, तो हम सब समझ लेंगे कि लोडिंग क्या होता है। जब हम ग्राइंडिंग को जब चलाते हैं, ग्राइंडिंग पे जब चलाते हैं, ग्राइंडिंग को हम कम स्पीड देते हैं, जैसे मान लीजिए गोई ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग हमने ऑन कर दिया और ग्राइंडिंग हमने कार्य करना चालू कर दिया ग्राइंडिंग पे, तो अगर हमने ग्राइंडिंग की स्पीड कम दे दी, जैसे हमने आरपीएम दे दिया कि 1800 आरपीएम दे दिया, और ग्राइंडिंग हमने 1800 आरपीएम दे दिया और धातु क्या है वो सॉफ्ट है ना, धातु सॉफ्ट है और हमने आरपीएम दे दिया 1800 की, तो जब धातु सॉफ्ट रहेगा तो उसके जो कण होंगे वो कण उस ग्राइंडिंग में फंस जाएंगे, वो एब्रेसिव के जो कण होंगे, जो मतलब एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव में जो होंगे वो कण फंस जाएंगे, एब्रेसिव में वो कण फंस जाएंगे, किसके, उस मेटल के जिसको हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लोडिंग। नाम से पता चले लोडिंग मतलब कोई चीज लोड होना, मतलब वो मेटल, मेटल के कुछ कण जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो ग्राइंडिंग में फंस जाएंगे, उसी को हम कहते हैं लोडिंग, उसको क्या कहते हैं हम, लोडिंग। और ड्रेसिंग क्या होता है, या ड्रेसर किसे कहते हैं, तो ड्रेसिंग को सही करने के टूल को हम ड्रेसर बोलते हैं, किसको, ड्रेसिंग को सही करने के टूल को हम क्या बोलते हैं, ड्रेसर बोलते हैं। और ड्रेसिंग होता क्या है, जैसे आपको कभी चोट लग जाता है, तो चोट जब लग जाता होगा आपको तो पट्टी बनवानी चाहिए, कहते हैं ड्रेसिंग कर दीजिए, तो ड्रेसिंग करने का मतलब पट्टी को चेंज कर दीजिए, ऐसे होता है ड्रेसर, ऐसे होता है ड्रेसिंग। जो ड्रेसिंग हमारा होता है वो लोडिंग, जैसे कि जो लोड हो गए हैं, जो कड़ फंस गए हैं, उसी को हम सही करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, और जिससे हम सही करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रेसर। इतना समझ में आया, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो अभी अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने जितना पढ़ा, हमने बॉन्ड पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्रेन पढ़ा, ग्रेड पढ़ा, एब्रेसिव पढ़ा, अब हमने जितने पढ़ा उसके हम यहाँ प्रयोग करेंगे कि ये एक टॉपिक रह गया था, स्पेसिफिकेशंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ना, ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अभी हमने जितना पढ़ा, हमने बॉन्ड पढ़ा, एब्रेसिव पढ़ा, ग्रेन पढ़ा, ग्रेन साइज पढ़ा और स्ट्रक्चर पढ़ा, जब हमने सब पढ़ा तो हम उसका यूज कहाँ करते हैं, अगर हमने पढ़ा ना
तो हम यूज कहाँ करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद तो हमें यूज करना पड़ता है, अब चाहे कोई भी हो, जैसे हम सब पढ़ते हैं तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, हम उसको यहाँ देखेंगे। ये स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। एक एक मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 30A 36H 5B 15, ठीक है। तो अभी हम इसको बताएंगे, उसके बाद आप इसको अभी हम बताएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग पढ़ेंगे तो उसमें से हम ये चीजें देखेंगे कि ऐसे एक प्रश्न दे दिया जाएगा आपको, बोर्ड पे ध्यान से देखना और बड़े हम इत्मीनान से आपको समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे आशा है कि आप सबको समझ में भी आएगा। तो आप सब थोड़ा सा धैर्य रख के आप समझेंगे, और जब नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं समझ आया, हम अगली वीडियो में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ध्यान देंगे, ये जो देख रहे हैं आप स्टार्टिंग और लास्ट का, हम स्टार्टिंग और लास्ट को हम बंद कर देंगे, ऐसे हम क्लोज कर देंगे इसको, है ना। स्टार्टिंग और लास्ट से हमें मतलब नहीं है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि स्टार्टिंग और लास्ट को हम क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना। तो हम स्टार्टिंग और लास्ट को हम ऐसे क्लोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, सिर्फ हम फिर काउंट करेंगे 1, इसको क्या करेंगे 1, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5, कितने नंबर है 5, हमने इसको इसको क्लोज कर दिया, ध्यान समझना, हमने इसको और इसको क्लोज कर दिया, और फिर हमारे बीच में पड़ गए 5 नंबर, 1 2 3 4 5, हमें इसी पांचों नंबर से हमें जरूरत है, और इसी पांचों नंबर से हमें प्रश्न पूछता है, मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो हमें इसी पांचों में से हमें पूछेगा ये क्या है, ये किस साइज का है, ये क्या है, है ना। इतना समझ आया, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो जब इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो पहला है, ये पहले नंबर पे 1 पे, यहां देखो 1 पे, अब 1 पे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, 1 पे हमारा क्या होता है, 1 पे होता है, 1 पे क्या होता है ना, ये देखो 1 पे दिख रहा है ना, ए लिखा है 1 पे, बी पे 2 पे लिखा है 36, 3 पे लिखा है एच, 4 पे लिखा है 5, और 5 पे लिखा है वी, और लास्ट में 15 लिखा है, और पहले 30 लिखा है। तो हम इसको देखेंगे कि ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा ए पहले नंबर पे हमारा क्या है, एब्रेशियो, पहले नंबर पे क्या है, एब्रेशियो, एब्रेशियो, ए पहले पे हमारा एब्रेशियो हो गया, पहले क्या हो गया, एब्रेशियो। फिर दूसरे पे आ जाओ, पहले पे हमारा एब्रेशियो, दूसरे पे ग्रेन साइज, क्या, ग्रेन, ग्रेन साइज, ठीक। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे ग्रेड साइज, तीसरे पे ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड साइज, क्या हो गया, ग्रेन हो गया, ग्रेड हो गया। फिर इस पे आ जाओ, स्ट्रक्चर, चौथे नंबर पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, पांचवे पे आ जाओ बॉन्ड, पांचवे पे आ जाओ क्या, बॉन्ड। देखो हमने पहले कहा कि इसको हम क्लोज कर लेंगे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसको 1 हो गया, ये 2, 3 और 6 को 2, 3 4 5, हमने इसको काउंट किया, हमने काउंट करने के बाद पहले क्या आता है, एब्रेशियो आता है, दूसरे क्या आता है, ग्रेन साइज आता है, तीसरे पे आता है ग्रेड साइज आता है, चौथे पे स्ट्रक्चर, और पांचवे पे बॉन्ड, ठीक। इतना में इतना समझ में आया, जब हम इतना समझ गए तो हम लास्ट वाला देखेंगे। ये जो लास्ट का है दोनों, ये मैन्युफैक्चर डेट होता है, मैन्युफैक्चर डेट है ना, जिस दिन ये कंपनी ने बनाया था इस ग्राइंडिंग व्हील को, तो किस दिन बनाया था उसका हमने एक डेट दे देते हैं, है ना, ये मैन्युफैक्चर डेट होता है, और ये सैंपल होता है, ये सिंबल होता है, मतलब ये जो होता है ये सिंबल होता है, और ये डेट होता है, मतलब इसमें इसमें जैसे कि कंपनी का लोगो है ना, इसमें क्या हो गया, कंपनी का लोगो, इसमें कंपनी का लोगो, इसमें डेट, इतना समझ में आया, इसमें कंपनी का लोगो, ये 30 जहाँ है कंपनी का लोगो, इसमें डेट, मैन्युफैक्चर डेट, किस दिन मैन्युफैक्चर हुआ था, इतना समझ में आया। फिर हमने देखा पहले पे एब्रेशियो, दूसरे पे ग्रेन, तीसरे पे ग्रेड, और चौथे पे स्ट्रक्चर, और पांचवे पे बॉन्ड, इधर से मैं आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि
एब्रेशिव ए, हमने जब पढ़ाया होगा आपको एब्रेशिव, तो हमने बताया था एब्रेशिव दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। हमने दोनों बताया था, एक नेचुरल बताया था, एक आर्टिफिशियल बताया था। फिर मैंने आर्टिफिशियल में दो बताया था, एक बताया था एल्युमिनियम और सिलिकॉन, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन। तो हमने सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो हमने वहां भी बताया था कि ए से क्या, ए से क्या प्रदर्शित करते, ए से एल्युमिनियम। तो एब्रेसी कौन सा है, ए वाला है एल्युमिनियम। एब्रेसी कौन सा है, एल्युमिनियम, यहां लिखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है ना, कौन सा एब्रेसिव है, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम एब्रेसिव। ये देखो 36 क्या है, ग्रेन साइज, 36 क्या है, ग्रेन साइज। अभी कौन सी ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज कितने प्रकार की, ग्रेन साइज चार प्रकार की, कौन कौन सा, मैंने बताया था ग्रेन साइज कितने प्रकार, ग्रेन साइज चार प्रकार की, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो कोर्स में कितना आता है, तो कोर्स में आता है 10 से 24 तक, कोर्स में हो गया। मीडियम में कितना हो गया, 30 to 60, मतलब 30 से 60 तक। फाइन में कितना हो गया, 80 से 180, और वेरी फाइन में 220 से 600। तो ये ग्रेन साइज देखो, ये ग्रेन साइज में कितना लिखा है, 36। आपको पता है 36 किसमें आता है, ये 36 मीडियम में आएगा, किसमें आएगा, मीडियम में। तो ये मीडियम में हो गया। उसके बाद क्या गया, ग्रेड है ना, हमने ग्रेड कितने प्रकार के बताए थे, ग्रेड हमने तीन प्रकार के बताए थे, कौन कौन से ग्रेड बताए थी, ग्रेड हमने बताया था सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। तो सॉफ्ट में मैंने बताया था A2H, नहीं सॉफ्ट में A2H, हाँ सही है, सॉफ्ट में A2H, मीडियम में I2P और हार्ड में Q2Z। तो ये देखो ग्रेन साइज में क्या है, H, H किस में आता है, तो H हमारा सॉफ्ट में आता है, ये हमारा सॉफ्ट में हो गया। फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेंस और एक होता है ओपन। स्ट्रक्चर कितने प्रकार की, दो प्रकार के, एक होता है डेंस एक होता है ओपन। तो फिर मैंने बताया था कि डेंस में कितने होते हैं, तो डेंस में होता है जो सघन होता है, मतलब जो पार्टिकल्स पास पास हों, उसको हम बोलते हैं डेंस। डेंस कितने प्रकार के, तो डेंस मतलब स्ट्रक्चर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक डेंस एक ओपन। तो डेंस में कितना, 1 to 8, कितना, 1 to 8, और ओपन में, ओपन में 9 to 16। तो ये बताओ स्ट्रक्चर जो है ना, ये 5 है, 1 to 8, तो किस में आ गया बताओ, 1 to, मैंने बताया था 1 to 8 डेंस, और फिर स्ट्रक्चर, ये डेंस स्ट्रक्चर में ओपन, ओपन यार, ओपन, ओपन में 9 to 16। तो ये कितने में आया, 5, ये डेंस में आया। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, डेंस हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, डेंस हो गया, बॉन्ड आ गया। अब देखो बॉन्ड क्या आ गया, बॉन्ड विट्रीफाइड, बॉन्ड विट्रीफाइड, बॉन्ड विट्रीफाइड, विट्रीफाइड बॉन्ड, समझ में आया। तो हमने देखा ये स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के जो प्रश्न आते हैं ऐसे आपको पेपर में दे देगा, ये पेपर में दे देगा, तो पूछेगा यच, यच क्या है, यच क्या है, तो यच किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे क्या है, ग्रेन साइज है। फिर पूछ लेगा वी क्या है, तो वी क्या है, बॉन्ड है, ऐसा समझ में आया। और हम इसे याद कैसे कहते हैं, अभी तुम्हें याद नहीं होगा कि एब्रेसिव पहले आएगा कि ग्रेन साइज आएगा कि ग्रेड साइज आएगा कि स्ट्रक्चर आएगा, ये तो हमने एक ट्रिक बनाया है, तो हमने क्या बनाया है, ट्रिक बनाया है, एक फार्मूला बनाया है। वैसे फार्मूला की जरूरत नहीं है, एब्रेसिव तो तुम जानती हो पहले आएगा और बॉन्ड लास्ट में, एब्रेसिव उसके बाद ग्रेन, ग्रेन देखो ज्यादा नहीं आ रहा है पढ़ने में, देखो GREIN, ग्रेन, ग्रेन, ग्रेड, तो ग्रेन ज्यादा आ रहा है ना, तो जो ज्यादा है उसको पहले कर देते हैं, ग्रेन फिर ग्रेड फिर स्ट्रक्चर फिर बॉन्ड। तो कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ हमारे से साथी होते हैं, उन्हें याद करने में दिक्कत होगी और फिर वो भूल भी जाते हैं कि ये कैसे होगा। तो मैंने एक फार्मूला, मैंने एक ट्रिक बनाया है अपने से, देखो यार पढ़ने वाले बच्चों को तो ट्रिक अपने से भी बना लेते हैं क्योंकि आप ITI कर चुके हो और ITI वाले बच्चे इंजीनियर हो ही जाते हैं, छोटे मोटे तो इंजीनियर कही जाते हैं ना, तो आप ITI कर चुके तो ट्रिक अपने से बना लेंगे, नहीं बनाने आ रहा तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं। ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध, ये ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध है ना, ट्रिक
ए ए ग्रेन, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध। देखो ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध है ना, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध। ए मतलब एब्रेसिव, ए मतलब एब्रेसिव, ए मतलब एब्रेसिव, ग्रेन मतलब ग्रेन साइज, ग्रेन साइज, ग्रेड मतलब ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर संरचना, बांध मतलब बॉन्ड, बांध बॉन्ड कहते हैं ना, एक दूसरे से बॉन्डिंग होना, एक दूसरे से संबंध रखना, एक दूसरे से बॉन्डिंग होना, इसी को बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड मतलब जब आप कोई रिश्ता रखते हैं या किसी से कोई लगाव रखते हैं तो बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे में बॉन्डिंग होती है, वही कह रहा है। ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध, याद नहीं होगा, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध, बार बार पढ़ो, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध, किस में बांध, स्ट्रक्चर में बांध, ए ग्रेन ग्रेड स्ट्रक्चर में बांध। पहले आएगा ए मतलब एब्रेसिव, ग्रेन मतलब ग्रेन साइज, ग्रेड मतलब ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, बॉन्ड मतलब बॉन्ड। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं हुआ? तो अब हमारे प्रश्नों का अब जवाब देंगे, है ना। हम दो चार प्रश्न हम इस पे लिख दे रहे हैं, पहले अभी एक हो गया ना, अभी एक आप करके दिखाओ, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप करके दिखाओ इसको आप करके दिखाओ, है ना। मैं अभी एक प्रश्न दे रहा हूं, आप इसको करके दिखाओ। 51 सी, 51 सी एच, 51 सी सिक्स, 6 R, इसको आप सॉल्व करके बताओ। 51 ये अभी मैंने इसको बारे में बताया आपको, तो आप इसको सॉल्व करके बताओ। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो समझो आपको आ गया, तो करो जल्दी, वीडियो को पॉज करके करो। चलिए फिर मैं इसको बता देता हूँ। देखो हम ये क्या करेंगे, पहले वाले और लास्ट वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले और लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम गिनेंगे 5 अंक, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है। पहले क्या आता है, एब्रेसिव, दूसरे पे क्या आ जाता है, ग्रेन, तीसरे पे ग्रेट, चौथे पे स्ट्रक्चर, पांचवें पे बॉन्ड, और इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब ध्यान दें, एब्रेसिव में सी, सी से क्या होता है बताओ, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, सी से सिलिकॉन कार्बाइड, 18 स्ट्रक्चर आ गया, ये ग्रेन साइज 18 आ गया, किसमें आ गया ये बताओ, इसमें किसमें आ गया ये स्ट्रक्चर बताओ, कोर्स है, मीडियम है, फाइन है, वेरी फाइन है, तो ये कोर्स में आ गया, कोर्स है ना, ये कोर्स में आ गया। फिर ये ग्रेड कौन सा ग्रेड है, ग्रेड बताओ, सॉफ्ट है, हार्ड है, मीडियम है, तो यच है ना, तो यच हमेशा सॉफ्ट में आता है। स्ट्रक्चर 6 है तो डेंस हो गया। फिर बॉन्ड आर से रबर बॉन्ड, आर से रबर बॉन्ड, पता कितना सरल है ना, है ना, कुछ नहीं। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है, बॉन्ड पता है, तो हम इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अब प्रश्न बनते कैसे, एग्जाम में प्रश्न बनते कैसे हैं, प्रश्न एग्जाम में ये दे देगा आपको, इसमें से पूछ लेगा यच, यच क्या है, आर क्या है, यस क्या है, इतना। और कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर 2 प्रकार के पूछ लेगा, कि डेंस में क्या, डेंस में कौन से, कितने डेंस, कितने कितने से होता है,
ओपन कितने कितने से होता है ना। और फिर पूछ लेगा कि सिलिकॉन का प्रतीक बताइए, है ना, एब्रेसिव। फिर बता देगा कि विट्रिफाइड सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली जो ग्राइंडिंग में है, एब्रेसिव जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, विट्रिफाइड बॉन्ड ही यूज करते हैं। पेपर में आ गया सबसे ज्यादा यूज करने वाले बॉन्ड कौन सा है, तो विट्रिफाइड बॉन्ड। समझ में आया, समझ में आ गया ना आप सबको। तो साथियों अगर आपको ये समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो साथी अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हम मिलते हैं हम आपकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।